एक बेहद ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा कि दो छोटी बच्चियां जो स्कूल पिकनिक के लिए गई हुई थी और उसके बाद जब वो घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो शायद ही वो कभी भुला पाएंगे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से ही है। उधमपुर में बताया जा रहा है कि दो छोटी बच्चियां, दो माइनर्स जो कि स्कूल पिकनिक के लिए गई थी और उसके बाद घर लौट रही थी और इसी बीच उनके साथ ये हैवानियत की गई, ये शर्मनाक हरकत की गई और उन अनकॉन्शियस हालत में वो चतरारी के पास जंगलों में मिले और वहां से जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों को अनकॉन्शियस कंडीशन में पाया जो जंगल इलाका है चतरारी का, फिर उनको एसडीएच रामनगर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया और फिलहाल जो एक्यूज्ड है उन दोनों को पकड़ लिया गया है। उधमपुर पुलिस ने इन दोनों रेप एक्यूज्ड जिनका नाम दलीप कुमार है और जो रहने वाला बताया जा रहा है कि एक का नाम दलीप कुमार है और वहीं पर दूसरे का नाम रविंदर कुमार है, जिन्होंने इन दो छोटी बच्चियों के साथ जो दो माइनर गर्ल्स स्कूल पिकनिक के लिए गई थी और अपने घर शाम को वापस लौट रही थी तो इतने में उनके साथ ये बड़ी ट्रेजेडी हुई। फिलहाल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों एक्यूज को पकड़ लिया है और अगर वालिदैन की बात करें तो किस तरह से वो खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल पिकनिक के लिए भेजते हैं और ऐसा उनके साथ हो जाएगा जब वो स्कूल पिकनिक से वापस आएंगी तो शायद उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। और दो छोटी बच्ची जिनको ये सब पता भी नहीं होगा, इसकी नॉलेज भी नहीं होगी और उसके बाद उनके साथ इस तरह से जो ये ट्रेजेडी हो गई बहुत बहुत दिल दहला देने वाली और दुखद है। फिलहाल पुलिस की दाद देनी पड़ेगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों एक्यूज को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इसी उम्मीद के साथ इन दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त इन्हें सजा मिले। फिलहाल इस अपडेट में लूंगी इजाजत।